हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ब्रेड पनीर पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। टेस्टी के साथ है, हेल्दी भी होता है। तो इसे आप इवनिंग स्नैक्स में या बच्चों के लंच बॉक्स में कभी भी बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम बॉयल किया हुआ आलू डालेंगे। तो हमने इसे प्रेशर कुकर में बॉयल करके छिलके हटा लिए हैं। अब हम आलू को तोड़ लेंगे, या आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से मैश लेंगे। आलू को हमने बारीक मैश लिया है। अब हम उसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया। तो ये फ्रेश धनिया है जिसे हमने धो के बारीक बारीक काट लिया है। दो हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हम बारीक बारीक ग्रेट कर लिए हैं। तो अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। तो यहाँ पे हम 4 ब्रेड लिए हैं। एक एक ब्रेड को हम पानी में ऐसे डुबा लेंगे और पानी को हम निचोड़ देंगे। और इसमें हम ब्रेड को डाल देंगे। तो ऐसे ही हम ब्रेड को पानी में डुबा के पानी निचोड़ देंगे और ब्रेड को हम इसी में डाल देंगे। ऐसे हमें चार ब्रेड हमने डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पे हम हाथ से ही मैश करेंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे से इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स नहीं होता है, तो पकौड़ा अपना अच्छा नहीं तैयार होता है। तो हमने आलू, प्याज, ब्रेड, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो या तो हरी मिर्च निकाल दीजिए या रेड चिल्ली मत डालिए, आप तीखा समझ के डालिए। साथ में हम डालेंगे गरम मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और साथ में हम डालेंगे एक ग्रेट किया हुआ पनीर। तो हमने 3 आलू लिया मीडियम साइज का, 4 ब्रेड और 100 ग्राम हम पनीर को ग्रेट कर लिए हैं। तो ये पनीर पकौड़ा है, इसके साथ हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि सब इंग्रेडिएंट्स एकदम मिल जाना चाहिए। तो इसे हम 1 से 1.5 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉल बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे और ऐसे एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। आप अपने मनपसंद साइज का बॉल बनाइए और एक प्लेट में इसे रखते जाएंगे। तो हम धीरे धीरे एक एक बॉल को ऐसे गोल गोल बना लेंगे। तो हमने एक बैच के लिए बॉल्स बना लिए हैं। अगर आपको अभी ही बनाना है तो सभी बॉल्स बना दीजिए, नहीं तो फ्रिज में रख के आपको जब मन चाहे इसका बॉल बना के
फ्राई कर सकते हैं। तो इसे आप एक दिन तक आराम से फ्रीज में रख के दूसरे दिन भी बॉल्स बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हम एक बाउल में 2 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक हम पतली सी सिलरी बना लेंगे। तो हमने मैदे में 5-6 चम्मच पानी डाल के एक पतला सा घोल बना लिया है। गाढ़ा नहीं करना है, केवल हमें पतली सी कोटिंग चाहिए बॉल्स के ऊपर कि कढ़ाई में वो फैले नहीं। तो ऐसे हम इसे घोल लेंगे। हमने घोल बना लिया है, आप देख सकते हैं एकदम पतली सी घोल बनाई है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक-एक बॉल को डुबाएंगे और ऐसे चम्मच से निकाल लेंगे। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल अच्छा खासा गर्म भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चम्मच से ही एक-एक बॉल को तेल में छोड़ देंगे। दूसरे बॉल को ऐसे कोटिंग करेंगे और तेल में छोड़ देंगे। एक बार में जितनी बॉल आ सके डाल देंगे। तो हम ज्यादा चिपका चिपका के नहीं डालेंगे क्योंकि तो चारों तरफ से बॉल को अच्छे से सिकने देना है और एक साइड से हम 2 से 3 मिनट सिकने के बाद इसे टर्न करेंगे। बीच में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसे ऐसे टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना बॉल बिल्कुल जैसा हमने शेप दिया था वैसा ही फ्राई हो रहा है, बिल्कुल टूट फूट नहीं रहा है। पकौड़ा बहुत ही बढ़िया लगता है और हेल्दी भी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमने बॉल्स को उलट पलट के फ्राई कर लिया है, इसका कलर ब्राउन हो गया है, ये क्रिस्पी भी लग रहा है। तो हम छड़नी से इसे अब ऐसे टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और एक प्लेट पर हम किसी पेपर रखेंगे और उससे बॉल्स को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना ब्रेड पनीर पकौड़ा तैयार हुआ है। अब सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी बॉल्स फ्राई करेंगे। हमें बॉल्स को होल में डालना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। बॉल्स को होल में डालना है और हमने सभी बॉल्स को फ्राई कर लिया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे, इसमें टोमेटो केचप रखेंगे। अगर आपको हरी धनिया चटनी पसंद है तो उसे रखिए। फिर हम ऐसे बॉल्स को सजाएंगे। ब्रेड पनीर पकौड़ा बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो इसे आप अपने टी टाइम पे या बच्चों के बर्थडे पे भी बना सकते हैं या कोई किट्टी पार्टी हो उसमें भी बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।